భారత సమాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ 80వ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ముతోల్ మాజీ శాసన సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ భోసలే నారాయణ పటేల్ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో వేడుకలు నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన భారతదేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేశారు। గాంధీ కుటుంబం భారతదేశానికి చేసినటువంటి సేవలను మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమని వారు చేసిన అభివృద్ధిని గుర్తు చేశారు। కార్యక్రమంలో ఓం ప్రకాష్ రెడ్డి, శంకర్ చంద్ర, షాహిద్ భాయ్, చంద్రకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। जो आज अपने प्रियतम नेता राजीव गांधी जी का जन्मदिन मनाए, मैं उसके लिए सभी यहाँ उपस्थित आए कांग्रेस लोगों को उनकी तरफ से और हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो देश अपना इतना तरक्की हुआ है, ये आज एक ऐसे जो अपने राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब भी पूरे स्कीम आए थे, वो स्कीम के तहत ही आज अपना भारत बड़ा था। और आज जो लोग बोल रहे हैं कि हम ये करें वो करें, इसकी नींव रखने वाले अपने राजीव गांधी जी है। और आज मैं राहुल गांधी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो राजीव गांधी जी के सपने अधूरे हैं उसको पूरा करना बोले तो राहुल गांधी जी को, अपने राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना। और ये कांग्रेस पार्टी और जो गांधी परिवार है ये गरीबों की सोच की पार्टी है और वो परिवार है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन मनाए उसके लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 80 साल पूरे कंप्लीट हुए। उनके जन्मदिन के अवसर पर, उनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ। आज उनको कंप्लीट 80 साल हो चुके हैं और उन्होंने जो कुर्बानी दी देश के लिए, मैं ये समझना चाहता हूँ गांधी खानदान की जो कुर्बानियाँ हैं, आज तक जीने वाले जो आदमी और देश का भविष्य बनाने वाले राजीव गांधी साहब ने, इस देश में कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। भारत देश में अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम लाए बोले तो वो राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब लाए। ये टेक्नोलॉजी भारत देश में अमल में लाए, उसका फाउंडर्स राजीव गांधी साहब। आज पूरा देश इंटरनेट में चल रहा, उपराश्रय राजीव गांधी साहब को जाता है। सर मेरा ये कहने का मतलब है राहुल गांधी जी उनके जो बेटे हैं, आज मैं ये कहना चाहता हूँ जो गांधी खानदान ने जो कुर्बानी दी है आज भी देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी साहब को, आज मैं आपके पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर यह कहना चाहता हूँ लोगों में जागरूकता आई है। जो 10 साल से जो सरकार देख चुके हैं पब्लिक, उनमें क्या भलाई और कांग्रेस पार्टी में क्या भलाई और बुराई थी, इसका समझ में आने वाला है आगे भविष्य। मैं आज पिताजी के तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर ये कहना चाहता हूँ भविष्य में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी तरह जो राजीव गांधी का स्वप्न था वो राहुल गांधी साकार करेंगे बोल के मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर ये 2 शब्द कहते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।